ये देखिए जी, पेड़े बन गए हैं रोटी के, क्योंकि मैं ना बल वाले पेड़े कम बनाती हूँ। बस एक बनाया बल वाला पेड़ा, ये पराठे का, क्योंकि बल वाला पराठा खा के ना अंदर भी घी और फिर बाहर भी घी, तो वो बहुत हैवी हो जाता है। इसलिए सादी रोटी बना के हल्का हल्का घी बच्चों के लिए और अपने लिए एक सादी रोटी बनाऊंगी। ये जी चलें शुरू करते हैं सहरी बनाना। जी इस टाइम देखें माशाल्लाह कितनी तेज़ गैस है, मिनटों में सहरी बन जाती है माशाल्लाह से। तो इसी तरीके से इसके ऊपर घी लगाया और ये इस तरीके से जला दिया। रोटी तैयार है, बच्चों को खाते हैं। एक बच्चा तो उठ भी गया। वजू करो बेटा, तहज्जुद पढ़ो। तो बस इसी तरीके से जी रोटी है सहरी की भी हमारी। एक और चीज़ मैं आपको भी दिखाती हूँ, एक मिनट ये ज़रा रोटी बना लूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जी हमारी रोटी तैयार है माशाल्लाह से। इसको रखते हैं आप इधर। मैंने तो अपने लिए सादी रोटी बनाई है। ये चीज हो गई खैर से, तो ये चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने रात इसको रखा था, ये देखें माशाल्लाह से। ये देखें जी, घर पर मैंने खुद जमाई है दही, ये माशाल्लाह बहुत ठीक है। थोड़ी सी जगह दो भाई, हमें थोड़ी सी जगह दो। ये लो जी देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी, ये देखें ज़बरदस्त किस्म के दही तैयार है। ये मैंने रात चूल्हे के नीचे रख दी थी क्योंकि चने सहरी तक जम जाएगी, इसका एक अपना ही मज़ा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं, जहाँ रहें शाद रहें आबाद रहें। ये देखें जी सहरी का अलार्म हो गया माशाल्लाह से। मैंने कहा आज अपने बहन भाइयों के साथ मैं सहरी की रूटीन शेयर करूं, तो जी आज बनाते हैं सहरी। तो माशाल्लाह मस्जिदों में किस कदर के रौनकें लग गई हैं। तो चलें जी बनाती हैं सहरी और आए हमारे साथ सहरी करें। बहुत रौनकें हैं, बेतहाशा रौनकें हैं मस्जिद में। इतने मज़े से सो रहा है, बैठा हुआ इतना प्यारा लग रहा है। अगर ये गोल्डन कलर का होता ना तो शेर लग, शेर का बच्चा लगता है ना। ये सारी दुकानें बंद थी, बच्चे से मंगाया है दूध 60 रुपए का, क्योंकि डब्बे के दूध की चाय मैं नहीं पीती। तो जी अब करते हैं इसको गरम। जी चाय हमने रख दी है माशाल्लाह से, हल्की आज कर देते हैं। अब और दूसरों ने भी बनानी है, वो नीचे से आवाज़ आना शुरू हो गई है। ये हल्की आँच पे पकती है। वैसे तो मैं पहले सुबह उठकर पीती थी चाय, जब से रोज़े आए हैं मैं सहरी में चाय पहले नहीं पीती और फिर कुछ खाया नहीं जाता, इसलिए ये आज तो हल्की आँच पे बनती है। तो इतने हम करते हैं सहरी। ये जी मेरा बेटा लेकर आया है बिल्ला, उसे बहुत शौक है। मैं तो गुस्से हो रही थी कि ना लेकर आऊँ, लेकिन ये बहुत प्यारा है, हो तो गंदा रहे। हाँ जी हाँ जी, वीडियो बनवा रहे हो अपनी, तो मैं कहा चलो ले आओ कोई बात नहीं। ये जी माशाल्लाह से आलू अंडे बनाए हैं, बैंगन बने हैं और ये है घर की दही। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम,
बहुत प्यारी जमी है माशाल्लाह से। मैं तो दही से ही खाऊंगी और उसके बाद लूंगी चाय। ये जी हमारी पूरी सहरी आए जी, जिसने हमारे साथ करनी है सहरी करें। सो बिस्मिल्लाह, चलें जी करते हैं सहरी। इधर उधर पाक पड़ा जा रहा है मस्जिदों में, बस कुछ ही लम्हात हैं जो कि रोज़ा बंद होने वाला है, मुकम्मल हो जाएगा सहरी का टाइम, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे आपके साथ सुबह को। यह जी अलार्म शुरू हो गया, दूर दूर से अलार्म आ रहे हैं माशाल्लाह से, बहुत रौनकें लगी हुई हैं मस्जिद में चारों तरफ से। ये देखें जी अलार्म की आवाज़ सुने, ये देखिए जी माशाल्लाह से क्या रौनके हैं, क्या अलार्म लगा है। तो मैं क्या अपने बहन भाइयों से आज मैं शेयर करूं सहरी का। तो जी ये देखें जी अजानें शुरू हो गई हैं, अब मिलेंगे इंशाल्लाह सुबह आपको, अजान सुनते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं।